हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू मस्ट बी फाइन एंड मी टू. एंड टुडे गेस वेयर आई एम गोइंग. वी आर गोइंग समवेयर वेरी ब्यूटीफुल प्लेस. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय व्लॉग. कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे. अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी बहुत बेहतर हैं. तो आज के इस व्लॉग में आप सबका बहुत बहुत खैर. अच्छा, अब हम लोग आके बैठ गए हैं गाड़ी में और अभी जा रहे हैं. डिसाइड हुआ है कि हम जाएंगे नेशनल पार्क और इंशाल्लाह वहीं पर हमारी दोस्त भी आएंगी तो उनसे मुलाकात होगी वहीं पर. और चलते हैं फिर वहीं पे, देखते हैं क्या क्या करना है. अच्छा जी, अब हम लोग आ गए हैं नेशनल पार्क और नेशनल म्यूज़ियम, दोनों एक ही चीज़ है उस जगह. और देखिए, आप देख सकते हैं ये एरिया कितना ग्रीन है, दोनों तरफ खूब ग्रीन है और काफ़ी सारे पेड़ लगे हैं अच्छे अच्छे. तो ये एरिया जो है वो बता रियाद का जो बता एरिया है वहाँ पर है. और ये नेशनल म्यूज़ियम भी है, फोर्ट भी है, पुराना किला. तो अभी हम इसके अंदर जाएंगे. यहाँ पर बच्चों के एंटरटेनमेंट के लिए काफ़ी ये सारी चीज़ें हैं, ग्राउंड है बहुत बड़ा. दिस इज़ द नेशनल पार्क एरिया एंड यू कैन सी दिस ब्यूटिफुल ट्रीज ऑल ओवर द साइट्स. दिस इज़ फुल ऑफ ग्रीनरी एंड आई रियली लव दिस प्लेस. So this is National Museum and Fort Area in Riyadh, Bata, Saudi Arabia. अब हम अंदर आ गए हैं. यहाँ पे पार्किंग है और सामने पुराने किले हैं इनके. अंदर चल के दिखाते हैं. Okay guys, this is the entrance from the back side and this is the palace just left side of mine. And this is very beautiful palace. Once king used to live here and this is mosque. And the weather is very good. So we are just moving towards the garden area where kids and we will enjoy. There is a lot of activity to do. Saleha, so you can see. पीछे देखिए जरा, भाई किधर है बेटा? हाँ, देखिए, सही से बैग पहनिए बेटा. कैसे लटका है? मैं उधर चल के बैठेंगे सामने, उधर अच्छा लगता है. तो सामने वतनिया जो पार्क है उसका टावर है और ये वो कुआं है. ओ, पानी तो आज सूखा, वैसे पानी नहीं चल रहा है. अच्छा, तो ये देखिए यहाँ पे से पानी निकल रहा है, बड़ा प्यारा लगता है ये सीन. जी सालिया, पता नहीं अलाउ है कि नहीं. पहले तो बच्चे खेलते थे यहाँ पे, अभी का नहीं पता. साले हाँ, कौन? हाँ, बच्चे नहा भी रहे हैं, खेल भी रहे हैं, बड़ा मज़ा आता है इस जगह पे. ये देखिए सालिया जा रही है और मैं भी जाऊंगी इसके अंदर. किनारे किनारे से जाएंगे. सालिया आ रही है. ये देखिए ऐसा लग रहा है जैसे बारिश हो रही है, बहुत तेज़ बारिश हो रही है. रियाद में तो वैसे बहुत कम होती है, तो हमको जब बारिश का मज़ा लेना होता है तो हम सीधे घर ही आते हैं और अपने दिल को बहला लेते हैं. अफराज भी वहाँ इंजॉय कर रहे हैं और सालिया किधर गई नहीं दिख रही है. ये अफराज है. हम लोग यहाँ पे जाने वाले हैं, मैं तो पानी में जाने वाली हूँ, तो चलिए देखिए. यस, क्या कह रही? ये देखिए, वैसे हमने भी कोई मौका नहीं छोड़ा भीगने का, हम भी यहाँ पर खड़े होकर मौसम का मज़ा ले रहे हैं. बच्चों के तो खूब मज़े हैं, देखिए ज़रा कैसे बच्चे एंजॉय कर रहे हैं. वाकई में जगह भी ऐसी है ना कि पानी से तो बच्चे दूर जाते ही नहीं हैं. हमारे बच्चों ने भी खूब नहाया और ये सारे बच्चे जो है ना खूब पानी को इंजॉय कर रहे हैं. तो किड्स रियली इंजॉइंग दिस प्लेस फुल ऑफ वाटर एंड दिस इज़ नॉट एग्जैक्टली अ वाटर पार्क बट स्टिल किड्स लाइक टू प्ले हेयर. एंड यू कैन सी अ बिग गार्डन हेयर. ये यहाँ पर बहुत ही बड़ा सा बाग है म्यूज़ियम के साथ ही, अलॉन्ग विद द म्यूज़ियम. ये भी म्यूज़ियम का ही हिस्सा है और इधर से रास्ता भी है एग्ज़िट का.
ये देखिए यहाँ पे ये फाउंटेन ही चलता है ना, अभी तो बंद हो गया। बहुत प्यारा लगता है ऊपर ये पेड़। ओह अच्छा, ये रास्ते तो इस तरह से है ना जैसे वो भूल भुलैया नहीं, तो इधर से निकलिए उधर उधर जाइए, फिर इधर से रास्ता भी ये गया है ऊपर की तरफ, उधर से भी जा सकते हैं। वो म्यूजियम की है वहाँ पर भी कार, पुरानी कारें जो होती विंटेज कार्स का। अफराज साले कहाँ है बेटा? पापा के साथ चलिए। हाँ सो फ्रेंड, दिस इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ म्यूजियम एंड दिस इज़ विंटेज कार कलेक्शन हेयर एंड इट्स अ वेरी बिग म्यूजियम इन रियाद विच इज़ नोन एज द नेशनल म्यूजियम इन बता एरिया। सो वी रियली इन्जॉय दिस प्लेस एंड वी हैव कम अ लॉट ऑफ टाइम हेयर एंड वी फ्रीक्वेंटली इवन कम हेयर विद आवर फ्रेंड्स एंड वी सिट हेयर इन्जॉय। This is very nice place to visit for any tourist, for anybody residing in Riyadh. And this is the fort area. Once, you know, the king used to live here. And this is very beautiful, a fort and a garden. तो आप लोगों को कैसा लगा ये नेशनल म्यूज़ियम मुझे बताइएगा कमेंट्स करके। और अभी आपको मैंने इसका जो म्यूज़ियम है उसका विंटेज का एरिया था वो भी दिखाया कार वाला, और प्लस यहाँ पर ये किला है वो भी आपको दिखाया। और ये किले की दीवारें ना कच्ची एकदम मिट्टी जैसी बनी हुई हैं, तो बड़े खूबसूरत कच्चे कच्चे से लगते हैं मकान, मतलब उस तरह से नहीं है जैसे कंक्रीट के होते हैं, और ये देखने में बड़ा खूबसूरत है। और ये इसकी मस्जिद का एरिया है, ये भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। और हम लोग अक्सर यहाँ पर अपने दोस्तों के साथ आते हैं, कभी थर्सडे को या फ्राइडे को, इस तरह से हम यहाँ पर साथ में बैठ के गैदरिंग करते हैं। सो फ्रेंड दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड बच्चे बहुत इंशाल्लाह इन नेक्स्ट व्लॉग, टिल देन टेक केयर। Do comments and like, give like and share and subscribe to my channel. Till then, bye bye. और अब हम चले अपने घर की तरफ, बहुत ज़्यादा सब थक गए हैं, काफ़ी लेट हो गया है। और आज का ब्लॉग कैसा लगा हमको ज़रूर बताइएगा, और इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। कमेंट्स नहीं करते हैं आप लोग, कमेंट्स करिए मुझे पता चले भाई किसको क्या अच्छा लग रहा है क्या नहीं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।